मीठा का रोड पर
एलिजिबल गरीब पब्लिक का झोपड़ा महानगर पालिका के प्रशासन के लोगों ने जो तोड़ा है, उनका हक दिलाने के लिए कांग्रेस की नीति गरीब के साथ, उनका हक गरीब के साथ उसको काट करने के लिए माननीय महाराष्ट्र के अध्यक्ष राकेश शेट्टी साहब ये मोर्चा लेके महानगर पालिका प्रशासन के सामने आए हैं अपनी बातों हम इतना ही सब कुछ करके अपनी बातों को विराम देते हैं। हम सम्माननीय राकेश शेट्टी साहब से निवेदन करते हैं उस मैटर पर विस्तार से आपके सामने रखेंगे। अरे गाल हमारे हक का कौन बंदा देना भाई, कौन बंदा देना भाई, गाल हमारे हक का कौन बंदा देना भाई, कौन बंदा देना भाई, गाल हमारे हक का हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, मैं तो खुशी खाली करो बिना उनके ने मकान का गरीबों के हक को रंग के रोड पर लाया। आज उसका जवाब महानगर पालिका से सम्माननीय राकेश शेट्टी साहब पूछेंगे, उनके जवाब को देना पड़ेगा। अभी हमारे ब्लॉक क्रमांक 84 के अध्यक्ष सम्माननीय मधुकर मात्रे जी उस विषय पर और आपको बताएंगे। मधुकर मात्रे जी, मधुकर मात्रे आगे बढ़ो, झोपडपट्टी वाटी आता तो अत्याचार झालेला आहे, त्याकरता 3 वर्षापूर्वी त्यांची झोपडपट्टी फोडण्यात आली। गेल्या 20 वर्षापासून तिथे झोपडपट्टीमध्ये राहत होते आणि त्यांच्याकडे फाईलच्या अगोदर त्यांची कार्ड होती सगळे होतं, तरी एक षडयंत्र म्हणून त्यांची झोपडपट्टी फोडण्यात आली। संपूर्ण सरकारी यंत्रणा वापरून दबावाने त्यांची झोपडपट्टी फोडण्यात आली। सर्वप्रथम राकेश शेट्टी यांनी तो पुढाकार घेऊन या विषयामध्ये हात घातलेला आहे। त्याबद्दल राकेश शेट्टी हे महाराष्ट्राचे रोजगार रोजगार व स्वयंरोजगार राकेश शेट्टी जिंदाबाद, त्यांचं पूर्ण काँग्रेसतर्फे अधिक अभिनंदन करतो, आभारी आहे। यापुढे आणि झोपडपट्टीबद्दल तो अत्याचार झालेला आहे। या सर्वांच्या मनामध्ये संपूर्ण काँग्रेस आपल्याबरोबर आहे आणि आता राकेश शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली संघर्ष घेऊन काँग्रेस पक्षाकडे तुम्हाला योग्य ते न्याय मिळेल। मधुकर मात्रे जिंदाबाद, राकेश शेट्टी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गाल हमारे हक का नहीं किसी का बाप का, गाल हमारे हक का नहीं किसी का बाप का, कौन बनता देना नहीं।